हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कायाकिंग एंड पिजन्स। एंड मैं आपका दोस्त बॉबी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। और मैं तो भैया कमरे में बैठ के कबूतरबाजी कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा कहना है तो खैर उनको, लोगों का काम है कहना, और कहते रहें जो उनका मन आता है कहें। मैं छत पर चढ़ूँगा, डेफिनेटली चढ़ूँगा। बॉबी मेरा नाम है, याद रखिए। तो बाकी ये है कि खोकर की बाजी से रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूँ। सेकंड बाजी का सबको पता है जैसे कि किस तरह से उसको हराया गया, किस तरह से उसका कबूतर काटा गया। और अब थर्ड बाजी के लिए मैं कुछ यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मेरी एडवाइस है फॉर उमर खोखर के लिए, आसिम भाई के लिए। भाई आप लोगों का जो मुनसिफ आना चाहिए, मींस दूसरी तरफ से जो मुनसिफ आएगा, ये मेरी बात याद रख लें, इस चीज़ के ऊपर आपने गौर करना है। एक न्यूट्रल बंदा है और एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, कबूतरबाजी जानता हो, उसको पता हो कबूतर सीधा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, लिफ्ट के आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो भी है ये उसको पता होना चाहिए। अब रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल भी लाइटली नहीं देना है। ऑलरेडी आप लोग भुग चुके हो सेकंड बाजी में, तो भाई इस बार याद रखिएगा, मुनसिफ वही लीजिएगा जो न्यूट्रल हो और एक्सपीरियंस वाला बंदा लीजिएगा, अदरवाइज ये लूट लेंगे आपको इस बार। और बाकी रही बात कबूतरबाजी की, वो तो सबको पता है किस तरह से हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है, कौन कितना अच्छा शो करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है। मतलब शौकीन आपका शो करवा रहा था और आपने उसी को ही, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको हराया है। बहुत जोर लगाया हमने उसको हराने के लिए, बहुत जोर लगाया। दिल जीते हैं लोगों के, या जिस तरह से उसने कबूतरबाजी दिखाई है, अपनी दम दिखाया है, वो काबिल तारीफ़ है। और आसिम भाई भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट में हैं उसकी, और शानी भाई भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शानी भाई देखिए उम्र के खातिर कूद गए बेसिकली मैदान में, और बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने यहाँ पे दोस्ती, एक तरह से कहूँ तो दोस्ती दिखाई यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं शानी भी। और उमर के लिए मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा, भाई आप लोग जो हैं इस बार किसी भी तरीके से धोखा मत खाइएगा, ये लोग आपको धोखा ज़रूर देंगे। और तीसरी बाजी जो होती है ये अब आपका डिसाइडर है बेसिकली। अभी भी यहाँ पे आपके पास मौका है दो दो बराबर करने का, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जो मैंने बोला। और मुनसिफ जो है वो सोच समझ के जो भी इनकी तरफ से आएगा उसको पहले उसको टटोल लीजिएगा पहले, और ये बात पहले क्लियर कर लीजिएगा, भैया मुनसिफ हमने ऐरा गैरा नहीं लेना। मुनसिफ जो है एक एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, कबूतरबाजी थोड़ी बहुत जानता हो, और उसको ये पता होना चाहिए कबूतर जीरो से आ रहे हैं कि लिफ्ट के आ रहे हैं, बीट कुछ भी कह लो यार, जिस तरह से भी आपको सूटेबल है उस तरह से आप कबूतरबाजी करो। देखो हार जीत एक खेल का हिस्सा है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, तो वो एक अलग मैटर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से खेली जाए ना बाजियाँ फिर। और अगर कबूतर जो है नहीं मिल रहा है तो मुनसिफ से पहले मुनसिफ का टाइम देना बनता है उसको, तो ये चीज़ें थोड़ी माइंड में रखिएगा, फिर जाके बाजी उड़ाइएगा। और एक चीज़ और कहता हूँ आपसे सभी छतों के लिए, जिन जिन के कल कबूतर उड़ेंगे, मीन संडे को कबूतर उड़ेंगे, उन सब के लिए स्पेशली वीडियो है भाई। अपने अपने कबूतरों की वीडियो बनाओ पहले, उड़ाने से पहले मोहर लग जाए, उसके बाद कबूतर जो हैं अपने विड में छोड़ के या अपने केज में छोड़ के उनकी वीडियो बनाओ, ये कबूतर है इसको ये कलर लगा हुआ है, अंदर से भी दिखाओ, पल्ला अंदर से भी दिखाओ उसको, अंदर ये वाला कलर लगा हुआ है। बाद में ये ना हो कि ऑरेंज का आप लोग पिंक बना दो, मल्टी कलर का आप पिंक गुलाबी बना दो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कलर भी क्लियर करो पहले सारे, अपने सारे मुद्दे साफ करके फिर उसके बाद जाके उड़ाओ, फिर जिसका जो उड़ के आए वो रब के हाथ है। मेरा मैसेज सिर्फ इन दोनों के लिए है, शानी भाई के लिए और खोखर भाई के लिए, और आल्सो इंक्लूडिंग आसिम भाई के लिए, कि भाई सोच समझ के, ये बड़े तेज़ खतरनाक लोग हैं तो इनसे बच के। खोखर और आसिम भाई से एक चीज़ कहना चाहूँगा, कबूतर अब जो भी हैं आपके पास सोच समझ के उड़ाइएगा, क्योंकि ये बाजी जो है यहाँ से आप तीन बाजियां कंटिन्यूटी में हार भी सकते हैं। तो कबूतर जो भी सिलेक्ट करिएगा
बड़े ध्यान से सोच समझ के और कोशिश करिएगा यहाँ पे पूरे कबूतर घर पे बैठें, और एक दो कबूतर ऐसा हो जो शाम को बैठे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी एडवाइस पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इन तक ज़रूर पहुँचाइएगा ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।